हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित कुशवाहा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों, कुछ स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके पूछा कि सर, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था वो अच्छे से समझ में नहीं आया, उसमें कुछ कैलकुलेशन प्रॉब्लम आ गई थी, तो हम लोग वो डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग डिस्लेशन जो पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। एंड कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट था कि सर, बॉइलिंग क्या होती है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, या फिर बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या क्या होता है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने से वेपर प्रेशर की वैल्यू कम क्यों होती है। तो वन बाय वन हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कर रहे थे उससे। तो देखो, लास्ट क्लास का बच्चों देखो क्वेश्चन क्या था कि एक कंटेनर था, उसमें दो लिक्विड दिए थे मिक्सचर, तो लिक्विड ए हो गया ये, और ये हो गया लिक्विड बी हो गया, और इसका टेम्परेचर कुछ दिया था, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी दिया हुआ था, ठीक है। अब इवेपोरेशन प्रोसेस तो किसी भी टेम्परेचर पर होती है, तो दोनों लिक्विड क्या होंगे, वेपर फॉर्म में भी होंगे, दोनों के बीच में क्या आएगा, इक्विलिब्रियम भी आएगा, क्लियर है। और यहाँ पर टोटल प्रेशर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, मैं लिख देता हूँ, टोटल प्रेशर कितना दिया था, 5.3 -2.3 एक्स से गिवन था। और आपसे यहाँ पूछा क्या जा रहा था, आपसे यहाँ पी ए नॉट और पी बी नॉट की वैल्यू पूछी जा रही थी। तो बच्चों, आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मुझे पता है ये केस कौन सा है, सेकंड केस है, दोनों क्या है तुम्हारे, वोलेटाइल है, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला हम लोगों को याद है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी वी नॉट इंटू एक्स बी हो गया, ठीक है। और हम लोगों को पता है कि टोटल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अब हम लोग देखो, यहाँ पर ये इक्वेशन एक्स ए के टर्म में लिखी है, तो यहाँ से क्या करो, अब एक्स बी को रिमूव कर दो, यानी एक्स बी की वैल्यू उठा से के यहाँ पे पुट कर दो। तो जैसे आप यहाँ पुट करोगे तो टोटल प्रेशर का देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए तो ऐसा ही रहेगा, प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस एक्स ए कर दिया, ठीक है। तो अब देखो इसी को चलो हम लोग सॉल्व करते हैं, और तो यहाँ पे लिख दिया मैंने टोटल प्रेशर इक्वल टू हो गया, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा पी बी नॉट आएगा माइनस, और प्लस हो गया ये क्या आएगा, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए, क्लियर है। तो ये टोटल प्रेशर का फॉर्मूला आ गया। तो अब देखो मैंने क्या किया कि इस और इस वैल्यू को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स ए लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एक्स ए लिखा हुआ है। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो देखो पी बी नॉट इक्वल टू क्या समझ में आ रहा है आपको, पी बी नॉट इक्वल टू लिखा है 5.3। अगर ये वैल्यू एटीएम में दी होगी तो यहाँ पे क्या कर दोगे, एटीएम में लिख दोगे, ठीक है। अब ये वैल्यू इक्वल टू ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है माइनस का 2.3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, पी ए नॉट की वैल्यू क्या होगी, पी बी नॉट उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी है, 5.3 है। तो यहाँ पर देखो पी ए नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 एटीएम आ गया, क्लियर है। तो बच्चा देखो सॉल्व हो गया, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिस्लेशन के बारे में, कि डिस्लेशन क्या होता है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बबल पॉइंट क्या होता है, ड्यू पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना। तो आप नोट कर लो उसको। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्लेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। तो डिस्लेशन जितना हम लोगों ने पढ़ा था, अब उसको थ्योरी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो डिस्लेशन प्रोसेस में हम लोगों ने क्या क्या किया था, एक सॉलिड और एक लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट किया था। फिर हम लोगों ने क्या किया था नेक्स्ट केस में, दो लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट किया था, याद है। और कैसे जब सेपरेट किया था हम लोगों ने, क्योंकि दो लिक्विड अलग अलग थे तो दोनों लिक्विड में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेस पे हम लोगों ने दोनों लिक्विड को सेपरेट कर लिया था। तो देखो लिखा हुआ है, डिस्लेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड के मिक्सचर जो होता है उसको हम लोग सेपरेट करते हैं, क्लियर है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्लेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर। तो डिस्लेशन प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने दो कॉलम बनाए थे, एक कॉलम में क्या किया था, हम लोग लिक्विड को इवेपोरेट कर रहे थे, याद है।
दूसरे कॉलम में क्या कर देते हैं, उसको एक पाइप के थ्रू हम लोग कंडेंस करके दूसरे कॉलम में शिफ्ट कर दे रहे थे। यानी पहले कॉलम में लिक्विड को इवेपोरेट किया था, ठीक है, और दूसरे कॉलम में ले जाने से पहले हम लोगों ने बीच में कंडेंस कर लिया था, याद है ना। तो वही लिखा हुआ, डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर। तो लिक्विड को पहले हम लोगों ने वेपर में कन्वर्ट किया था, कैसे, बाय हीटिंग, क्लियर है। एंड कंडेंसेशन ऑफ द वेपर्स बैक इनटू द ओरिजिनल लिक्विड। तो पहले लिक्विड को इवेपोरेट किया था, फिर वेपर को कंडेंस कर लिया था, तो ऐसे उन्होंने डिस्टिलेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। अब देखो डिस्टिलेशन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो देखो जैसा कि लिखा हुआ, इट इज यूज टू सेपरेट वोलाटाइल सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी। तो बच्चों एक हम लोगों ने केस पढ़ा था, वोलाटाइल सब्सटेंस, जैसे हम लोगों ने एक लिक्विड लिया था, और यहाँ पे लिखा है नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी, यानी हम लोगों ने सॉलिड लिया था। तो एक लिक्विड और एक सॉलिड का मिक्सचर लिया था और उसको हम लोगों ने सेपरेट किया था। तो याद करो, हम लोगों ने एक कॉलम लिया था, यानी एक कंटेनर, उसमें सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर लिया था और उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लोग हीट कर रहे थे, ठीक है। अब वो कंटेनर क्लोज था, तो हीट करोगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, क्योंकि इवेपोरेशन की प्रोसेस किसी भी टेम्परेचर पर होती है। सॉलिड तो नॉन वोलेटाइल था, वो तो इवेपोरेट करेगा नहीं, तो इवेपोरेट कौन करेगा, तो इवेपोरेट लिक्विड कर रहा था। तो लिक्विड क्या हो रहा था, इवेपोरेट करके वेपर बना रहा था। फिर उसी वेपर को हम लोग कंटेनर में पाइप के थ्रू क्या कर रहे थे, कंडेंस करके दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर रहे थे, ठीक है। तो यानी वेपर किसकी बन रही थी, लिक्विड की बन रही थी। तो दूसरे कॉलम में कौन जा रहा था, लिक्विड जा रहा था, उसी को कंडेंस किया था हम लोगों ने, जो लिक्विड की वेपर बनी थी। तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या था कि एक कॉलम में क्या बचा था, सॉलिड बचा हुआ था, और दूसरे कॉलम में क्या था, आपका लिक्विड बच गया था, क्योंकि लिक्विड वोलाटाइल था, वो वेपर फॉर्म में बन रहा था। फिर वेपर को हम लोगों ने कंडेंस कर लिया था, जो कि सेकेंड कंटेनर में कलेक्ट हो गया था, याद आया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो वहां पर सॉलिड को लिक्विड से हम लोगों ने सेपरेट कर लिया था, तो वही पॉइंट लिखा हुआ है, क्लियर है। और दूसरा हम लोगों ने एक केस और डिस्कस किया था, जहां पर हम लोगों ने दो लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट किया था, याद है। तो लिखा हुआ है, इट इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड मतलब जो मिक्स हो जाते हैं, यानी जो एक दूसरे में सॉल्वेबल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड एल्कोहल। और ऐसे ही एक इमिसिबल लिक्विड भी होता है, इमिसिबल लिक्विड मतलब होता है जो सेपरेट, जो मतलब मिक्स नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड ऑयल, क्लियर है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मिसिबल लिक्विड, ठीक है। तो दो लिक्विड का अगर मिक्सचर दिया हुआ है तो उसको सेपरेट करने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, ठीक है। अब दो लिक्विड सेपरेट क्यों होगा, क्योंकि दो लिक्विड क्या है, अलग अलग है, तो उनमें क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा, उस बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से ही हम लोग डिस्टिलेशन का यूज करेंगे और उसको सेपरेट कर देंगे, क्लियर है। अब बात आती है कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस तो होना चाहिए, कितना डिफरेंस होना चाहिए। तो किसी किसी बुक में ये लिखा है कि दो लिक्विड के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, जो डिफरेंस होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। किसी किसी बुक में ये लिखा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज़्यादा का होना चाहिए। और किसी किसी बुक, जैसे कि मान लो गूगल में अगर आप टाइप करके देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है जो दो लिक्विड के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 50 डिग्री या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, क्लियर है। हर जगह थोड़ा अलग अलग लिखा हुआ है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि 30 डिग्री सेल्सियस अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है या फिर उससे ज़्यादा डिफरेंस है, तो आप क्या करोगे, डिस्टिलेशन का यूज़ करके दोनों लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। आधी बात समझ में आप लोगों को, तो वही लिखा हुआ है हम लोग क्या कर सकते हैं, और वो भी मिसिबल लिक्विड होने चाहिए, यानी दोनों मिक्स होने वाले होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल वाटर और एल्कोहल, क्लियर है। और सारे मिसिबल लिक्विड इससे सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है, इनमें सिर्फ वही सेपरेट होता है इसमें क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा। आधी बात समझ में आप लोगों को, तो देखो इसी को देखो मैं एग्जाम्पल लेकर भी समझाने को ट्राई करता हूं आपको। ठीक है ना, तो जैसे देखो मैंने यहां पे क्या लिया, ये कंटेनर है, इससे मैंने क्या लिया, लिक्विड ए लिया और लिक्विड बी लिया, दो लिक्विड का मिक्सचर ले लिया, क्लियर है, चलो फिर ठीक है। अब देखो क्या हुआ, डिस्टिलेशन आप यूज तभी कर सकते हो दो लिक्विड को सेपरेट करने के लिए जब उसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहां आपको ऐसे लिक्विड सेलेक्ट करने हैं जिसमें 30 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज्यादा का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो, ठीक है ना। तो फिर आप क्या करोगे, इसको कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर हीट करते रहो,
ठीक है। अब दोनों लिक्विड क्या है यहाँ पर, अलग अलग है, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंस भी होना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए, तो दोनों का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे चलो मैं मान लेता हूँ कि ए का जो वेपर प्रेशर है वो बी से ज़्यादा है, आप बी का भी ज़्यादा मान सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, अब मैंने किसी भी टेम्परेचर पर अगर आप इसको हीट करोगे, और मैंने चलो इसका और परसेंटेज भी ले लिया, मान लो इस लिक्विड में 50% मोल बी के हैं और 50% जो मोल्स हैं वो किसके हैं, ए के हैं। तो आपने अगर कांस्टेंट टेम्परेचर में दोनों लिक्विड को हीट करोगे, जो मिक्सचर है उसको हीट करोगे, तो क्या होगा, ये दोनों इवेपोरेट करेंगे। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन की प्रोसेस जो होती है वो किसी भी टेम्परेचर पर होती है, क्लियर है। तो दोनों की यहाँ पे क्या बनेगी, वेपर बनेगी, यानी वेपर में लिक्विड ए भी होगा और वेपर बी की भी होगी, क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर लिक्विड भी है, वेपर भी है, तो वेपर बनेगी एक टाइम बाद इक्विलिब्रियम भी आएगा, ठीक है। अब ए लिक्विड ज़्यादा वोलाटाइल है, और ज़्यादा वोलाटाइल है मतलब क्या होगा तुम्हारा, यानी ए वाला ज़्यादा इवेपोरेट करेगा और बी वाला इतना इवेपोरेट नहीं करेगा, यानी वेपर फेस में जो ए का मोल फ्रैक्शन है वो ज़्यादा आएगा और बी का जो फ्रैक्शन है वो कम आएगा, यानी ये 50% से तो ज़्यादा होगा, कितना होगा, चलो मैं मान देता हूँ कि कितने परसेंट है, ये 70% हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल परसेंट तो 100 होता है, तो 30% हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। चलो ठीक है, और आगे देखो डिस्कस करते हैं हम लोग। तो मैंने क्या किया, अब इसी वेपर को मैं एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दे रहा हूँ, यानी इसको मैंने ओपन कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, बच्चों मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं तो समझ जाना कि ये जो लगा हुआ है कंडेंसर है, कंडेंसर मतलब जो कंडेंस करता है, यानी वेपर को लिक्विड बनाता है। तो जैसे यहाँ पर वेपर जाएगी इधर से, वो कंडेंस हो जाएगी, यानी वो वेपर को कंडेंसर क्या करेगा, लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और जैसे लिक्विड में कन्वर्ट करेगा तो मैंने यहाँ पे एक कंटेनर और रख दिया, यानी ये वाला लिक्विड क्या होगा, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, समझो बात को, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिक्विड ए भी हो जाएगा और लिक्विड बी भी आ जाएगा, क्लियर है। अब इसमें लिक्विड ए लिक्विड बी का परसेंट क्या होगा, जो परसेंट यहाँ पर वेपर फेस में था, क्योंकि इसी वेपर को तो मैंने क्या किया है, कंडेंस किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर जो लिक्विड फेस में जो परसेंट है कितना है, ये 70% होगा और ये कितना होगा, 30% होगा, क्या बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को, क्लियर है। तो आप देखो यहाँ पर, पहले मैं आपको इससे पहले पॉइंट बताता हूँ कि पहले आप समझो दो लिक्विड को सेपरेट करना है, पहले सेपरेशन मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो सेपरेशन मतलब होता है कि दो लिक्विड का अगर मिक्सचर दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, दोनों को प्योर बनाना है, सेपरेट करना मतलब क्या होगा, प्योर फॉर्म कन्वर्ट करना है, यानी उनका परसेंटेज, प्योरिटी का परसेंटेज इंक्रीज करना है, इसी का मतलब तो हुआ सेपरेशन। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 50-50% दोनों बराबर थे, अब जैसे क्या होगा, आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया तो ये लिक्विड ज़्यादा इवेपोरेट करेगा, यानी इसका यहाँ पर ए का परसेंटेज कम होता जाएगा क्योंकि ये वेपर फॉर्म में ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहाँ पर बी का परसेंटेज बढ़ेगा क्योंकि इसका कम होगा तो इसका परसेंट बढ़ेगा। तो देखो बी का परसेंट पहले 50 था, 50 से ज़्यादा यहाँ बढ़ता जाएगा, तो यानी बी क्या हो रहा है, देखो परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है प्योरिटी का, यानी सेपरेशन के साइड में मूव कर रहा है, क्लियर है। अब देखो यहां मैंने क्या किया, अब यही देखो यहां पर वेपर ज्यादा बनी तो यहां कंडेंस भी ज्यादा हुई, यानी यहां पर देखो ए 50% था और यहां पे कितना है 70% है, यानी ए भी देखो यहां पर क्या होगा, उसका परसेंट इंक्रीज कर गया, यानी परसेंट इंक्रीज कर गया मतलब ए भी प्योरिटी के साइड में मूव कर रहा है, यानी इसका भी परसेंटेज क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, क्लियर है। तो हम लोगों ने बच्चों क्या किया, एक बार डिस्टिलेशन यूज किया, उसमें देखो यहां पर क्या हुआ, बी का परसेंट जैसे जैसे इवेपोरेशन होगा वैसे वैसे लिक्विड कम होता जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, वो वेपर फॉर्म में ज्यादा कन्वर्ट होगा, तो यहां पर बी का परसेंटेज बढ़ेगा और यहां पर ए का परसेंटेज बढ़ेगा, क्लियर है। तो ये दोनों क्या हो रहा है, सेपरेशन की साइड में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब हम मैंने क्या किया, यहां पर एक ही बार प्रोसेस डिस्टिलेशन किया, अब अगर आप इसी को कई बार डिस्टिलेशन करो तो जैसे देखो पहली बार में 50% था, उसके बाद क्या हो गया 70% हो गया, मैंने मान लो फिर से टी टेम्परेचर कर दिया, फिर इसी टेम्परेचर में क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है
तो ये इवेपोरेट ज्यादा करेगा, यानी फिर यहां पर ए बी दोनों की वेपर होगी बट ए की वेपर ज्यादा होगी। मैंने मान लिया कि मान लो इसकी वेपर कितनी है 70, से ज्यादा होगी, मैंने 85 मान लिया, तो ये कितना बचेगा 15% बचेगा। क्लियर है? यानी वेपर फॉर्म में ए बी दोनों होंगे बट वहां पर ए का परसेंट ज्यादा होगा, बी का परसेंट कम होगा। मैंने क्या किया, फिर इसको कंडेंसर में डाल के कंडेंस कर दिया। यानी पहले देखो ए कितना था, 50% था, फिर इंक्रीज करके 70% हो गया, फिर इंक्रीज करके 85% हो गया। तो अगर आप ऐसे बार बार डिस्टिलेशन करोगे तो ए देखो कहां जा रहा है, प्योरिटी के साइड में शिफ्ट हो रहा है, प्योरिटी के साइड में शिफ्ट हो रहा है, मतलब ए और बी दोनों क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। क्लियर है? तो ए क्या होगा, लास्ट में जाके ऑलमोस्ट सेपरेट हो जाएगा। तो देखो डिस्टिलेशन का यूज करके हम लोगों ने दो लिक्विड को सेपरेट कर दिया। क्लियर है? बट दोनों लिक्विड कौन से होना चाहिए, जिनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 30 डिग्री या फिर उनसे ज्यादा का डिफरेंस है, उन्हीं को आप यूज कर सकते हो। आधी बात समझ में आप लोगों को? क्लियर है? और एक बार और याद रखना, यहां पर ए बी का जो सेपरेशन होगा वो 100% सेपरेशन नहीं होगा, ऑलमोस्ट ए सेपरेट हो जाएगा बट 100% नहीं होगा, समझो, क्योंकि इवेपोरेशन की प्रोसेस किसी भी टेम्परेचर पर होती है। तो यानी जब भी लास्ट में तुम कितनी बार भी रिपीट करो, एक पॉइंट जरूर ऐसा आएगा जहां पर ए बी को तुम सेपरेट नहीं कर सकते हो। और ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप्स बोलते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो डिस्टिलेशन से हम लोग दो या दो से ज्यादा लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं बट 100% सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप बच्चों इसको नोट कर लो, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है ना? तो आप इसको नोट कर लो। तो बच्चों देखो, हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन के बारे में, कि डिस्टिलेशन कितने टाइप के होते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन। तो पहला होता है देखो क्या, सिंपल डिस्टिलेशन होता है। क्लियर है? सेकंड क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एंड थर्ड नंबर होगा वैक्यूम डिस्टिलेशन। एंड फोर्थ नंबर स्टीम डिस्टिलेशन। तो मेनली फोर टाइप के डिस्टिलेशन होते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल, वैक्यूम एंड स्टीम। तो हम लोगों को जो मेनली पढ़ना है वो सिंपल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ना है, बाकी तीनों के बारे में डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो मैंने पढ़ा हुआ था जब केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। तो वहां पर क्या होता है, एक्चुअली में टेम्परेचर को चेंज कराते हैं, तो यहाँ पर हमें वो टेम्परेचर चेंज के बारे में डिस्कस नहीं करना है। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल डिस्टिलेशन के बारे में डिस्कस करना है। तो पहला देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल डिस्टिलेशन। तो इसके बारे में देखो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि जो हम लोग इसके लास्ट क्लास में जो उन्होंने पढ़ा था वो भी क्या था, सिंपल डिस्टिलेशन था। तो सिंपल डिस्टिलेशन का यूज कब करते हैं, जब दो लिक्विड को अगर आपको सेपरेट करना है तो दोनों लिक्विड में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। कितना डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का, 30 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, तभी आप इस सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि देखो यहाँ पर ईथर और टॉलिन को सेपरेट करना है, तो इनके बीच में 30 या 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ डिफरेंस कितने का दिख रहा है आप लोगों को, 30 से ज़्यादा का दिख रहा है। बेंजीन और एनिलीन को सेपरेट करना है तो भी आप सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हो। हेक्सेन और टॉलिन को सेपरेट करना है तो भी आप यूज़ कर सकते हो। एसीटोन और वाटर को सेपरेट करना है तो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितना है देखो, 30 से ज़्यादा है, 44 डिग्री सेल्सियस का है। यहाँ पर देखो इन दोनों को सेपरेट करना है तो भी सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हो। कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, 35 का है। क्लियर है? तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर 30 डिग्री या फिर उससे ज़्यादा का डिफरेंस होता है वहाँ हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए आप लोग, और ये एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो मैं रफ कर दे रहा हूं उसको, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा।
तो देखो बच्चों, अब हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें अब स्टार्ट हो रही हैं। जैसे कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राफ बनाएंगे, इसमें ग्राफ क्या क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे बबल पॉइंट क्या होता है। फिर पढ़ेंगे ड्यू पॉइंट क्या होता है। फिर इनका भी ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग। तो अभी देखो, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्राफ जैसे कि हम लोग को फॉर्मूले कुछ मैं लिख देता हूँ, जैसा कि लास्ट क्लास में याद होगा, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। और वहाँ पर हम लोग पार्शियल प्रेशर की वैल्यू कैसे निकाली थी, याद है? ऐसा कुछ पढ़ा था हम लोगों ने। दो लिक्विड का मिक्सचर लिया था यहाँ हम लोगों ने, लिक्विड ए लिया था और लिक्विड बी लिया था। इसके मोल फ्रैक्शन को एक्स ए बोल रहे थे, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कितना बोल रहे थे हम लोग, एक्स बी बोल रहे थे, ठीक है। अब दोनों वोलेटाइल है तो दोनों की यहाँ पे क्या बनेगी, वेपर बनेगी। कंटेनर क्लोज है तो यहाँ इक्विलिब्रियम आएगा, क्लियर है। अब वेपर ने मोल फ्रैक्शन मैंने क्या माना था, वाई ए माना था। यहाँ मोल फ्रैक्शन कितना माना था, वाई बी माना था। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर की वैल्यू दो तरीके से कैलकुलेट की थी हम लोगों ने, एक तो पी ए नॉट एक्स ए मतलब रॉल्स लॉ लगाया था, और एक निकाला था डाल्टन्स लॉ से, क्लियर है। वैसे ही हम लोगों ने पी बी की वैल्यू भी कैलकुलेट की थी, पी बी नॉट एक्स बी से या फिर वाई बी इंटू पी टोटल से, क्लियर है। और देखो हम लोग यहाँ पर इसके जब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो देखो और ये दो फॉर्मूले यूज़ करेंगे हम लोग। पहला ये फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे, ये भी यूज़ करेंगे, ये भी यूज़ करेंगे, और दो चीज़ें हम लोग और यूज़ करने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें, टोटल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, वन ही होती है, ये फोर्थ हो गया। एंड वाई ए प्लस वाई बी भी कितना होता है, वन होता है, क्लियर है। तो अब देखो हम लोग इन पांचों चीज़ों का यूज़ करके नेक्स्ट ग्राफ डिस्कस करने वाले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है ना। तो शायद हो सकता है एक बार में आपको ये समझ में ना आए ग्राफ, तो आप क्या करना है, इसको दो बार देखना है, रिपीट करके देखना। फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लो, हम लोग ग्राफ डिस्कस करते हैं। वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेस का ग्राफ बनाओ, या फिर बोलेगा वन बाई टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेस का ग्राफ बनाओ। तो देखते हैं ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है। ये राउल्स लॉ से निकाला था, और पार्शियल प्रेशर की वैल्यू ये वाली मोल फ्रैक्शन लिक्विड वेपर फेस में इंटू टोटल प्रेशर डाल्टन्स लॉ से निकाला था, क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स ए बाई पी टोटल इक्वल टू कितना आएगा, वाई ए डिवाइड बाई पी ए नॉट आ रहा है। तो मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब आपको याद होगा हम लोगों ने पी बी की वैल्यू कैलकुलेट की थी, तो पी बी की वैल्यू एक तो राउल्स लॉ से निकाली थी, क्या निकाला था, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना होता है इंटू मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेस में कितना है, और एक डाल्टन्स लॉ से निकाली थी कि मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में कितना है इंटू टोटल प्रेशर, ठीक है। तब अगर यहाँ इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पर आएगा एक्स बी डिवाइड बाई पी टोटल इक्वल टू वाई ए डिवाइड बाई पी बी नॉट। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, क्लियर है। तो चलो मैं दोनों इक्वेशन को देखो एक साथ लिखता हूँ। मैंने क्या किया, फर्स्ट और प्लस सेकेंड कर दिया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो ये लेफ्ट लेफ्ट वाला ऐड हो जाएगा, यानी वैल्यू आएगी एक्स ए डिवाइड बाई पी टोटल प्लस एक्स बी डिवाइड बाई पी टोटल इक्वल टू वाई ए डिवाइड बाई पी ए नॉट प्लस वाई बी डिवाइड बाई पी बी नॉट। बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को, तो देखो वन बाई पी टोटल दोनों में कॉमन है, तो आप कॉमन ले लो पी टोटल, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी एक्स ए और प्लस एक्स बी आएगी, और यहाँ पर क्या आएगा, वाई ए डिवाइड बाई पी ए नॉट प्लस वाई बी डिवाइड बाई पी बी नॉट, क्लियर है। अब देखो जैसा कि आप लोगों को पता है एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन लिखा था हम लोगों ने, और वाई ए प्लस वाई बी भी वन होता है। तो ये वैल्यू यहाँ उठा के वन रखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा,
वन बाई पी टोटल इक्वल टू आएगा वाई ए डिवाइड बाई पी ए नॉट प्लस वाई बी डिवाइड बाई पी बी नॉट। क्लियर है बच्चों? तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसको थोड़ा चलो और सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पर देखो क्या किया, तो यहाँ मैं देखो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन मैंने क्या किया, इफ वाई ए इक्वल टू जीरो, अगर वाई ए की वैल्यू जीरो होगी तो जैसे मैं पहले लिख देता हूँ कि वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू वन होता है, इफ वाई ए इक्वल टू अगर जीरो है तो वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू जीरो मतलब ये पूरा खत्म हो चुका है और ये वैल्यू वन हो चुकी है, इसका मतलब वन बाई पी टोटल इक्वल टू क्या आएगा, ये जीरो और ये वन हो गया है, यानी यहाँ पर आएगा वन बाई पी टोटल इक्वल टू वन बाई पी बी नॉट। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया, इफ वाई ए इक्वल टू मैंने वन कर दिया, जब वाई यू की वैल्यू वन करोगे इसका मतलब वाई बी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी ये टर्म जीरो हो गया और ये वैल्यू वन हो चुकी है, तो वन बाई पी टोटल क्या आएगा, वन बाई पी टोटल इक्वल टू आएगा वन बाई पी ए नॉट आएगा। क्या बच्चा समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, तो देखो ये आराम से समझ लो पहले, इसके बाद हम लोग आगे भी डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं इतना पार्ट रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा, तो देखो बच्चों ये वाला पार्ट देखो, हम लोग यहां से सॉल्व करते हैं, मैं ये इक्वेशन को फिर से लिख देता हूं, तो ये इक्वेशन लिखा हुआ है वन बाई पी टोटल इक्वल टू वाई ए डिवाइड बाई पी ए नॉट प्लस वाई बी डिवाइड बाई पी बी नॉट। क्लियर है? चलो ठीक है, अब मैं इसको भी रफ कर देता हूं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से यहां पर देखो, तो मैं देखो यहां पर चेंज क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया कि यहाँ पर वाई ए बाई पी बी नॉट लिखा हुआ है, मैंने वाई बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, वन माइनस वाई ए लिख दिया। मैं लिख सकता हूँ ये पी ए नॉट है, तो मैं लिख सकता हूँ पी बी नॉट। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पर वाई ए प्लस वाई बी वन होता, तो वाई बी इक्वल टू क्या हो गया, वन माइनस वाई ए आ गया। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, तो देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर होगा ये वन बाई पी बी नॉट बाहर हो जाएगा, यानी वन बाई पी बी नॉट हो गया प्लस वन बाई पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू वाई ए। क्लियर है? यानी यहाँ पर जो मेन इक्वेशन आई, देखो मेन इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, अब इससे ही हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं, तो मेन इक्वेशन जो आई है यहाँ पर वो क्या आई है, वन बाई पी टोटल इक्वल टू वन बाई पी बी नॉट प्लस वन बाई पी ए नॉट माइनस वन बाई पी बी नॉट इंटू वाई ए। तो मैंने बस उस इक्वेशन को सॉल्व करके ये मैंने इक्वेशन बना दिया। अब देखो इस इक्वेशन का ग्राफ आपसे कैसे पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि आप चलो ग्राफ बनाओ। ठीक है, चलो हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर ये ग्राफ हो गया, ग्राफ बनाना होगा आपको वन बाई टोटल प्रेशर, पहले बनाते हैं वन बाई टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन किसका होगा, वेपर फेज में होगा, वेपर फेज मतलब वाई ए वाई बी। तो वाई ए की वैल्यू देखो यहाँ पर मैंने जीरो मानी और वाई ए लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज करेगा, तो मोल फ्रैक्शन है तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, वन हो सकता है। देखो आपको समझ में आ रही है बात यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर मैंने वाई बी भी लिखता हूँ, तो वाई बी जो होगा वो क्या होगा, वो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी राइट से लेफ्ट आने पे इंक्रीज कर, क्योंकि जब वाई ए जीरो होगा तो वाई बी वन होगा, दिख रहा होगा कि वाई ए वाई बी प्लस वन होता है। ठीक है, तो ये वन होगा तो ये कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन वन होता है। तो ये वाई ए वाई बी है मतलब मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में है। तो बोलेगा आप चलो ग्राफ बनाओ, तो बेटा देखो यहाँ पर पी ए नॉट पी बी नॉट दोनों कॉन्स्टेंट है और हमेशा वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होती है, क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्लियर है? तो इसको देखो, अब पी ए नॉट पी बी नॉट में कोई एक वैल्यू ज़्यादा होगी और एक वैल्यू कम होगी। क्लियर है? तो मैं यहाँ मान लेता हूँ, तो देखो मैं यहाँ पे माना क्या मैंने कि इफ़ पी ए नॉट ग्रेटर देन पी बी नॉट,
तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि पी ए नॉट पी बी नॉट से ज्यादा है, आप पी बी नॉट को भी ज्यादा मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ग्राफ बिल्कुल सेम टाइप का बनेगा, आप बना सकते हो, ठीक है। मैं एक बता देता हूँ तो दूसरा बना लोगे। तो मैंने ये मान लिया, इसका मतलब जब ये पी ए नॉट ज्यादा होगा तो 1 बाई पी ए नॉट और 1 बाई पी बी नॉट करोगे तो क्या होगा, अब ये वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 3 और 2 में 3 ज्यादा है, बट 1 बाई 3 1 बाई 2 में 1 बाई 2 ज्यादा है। तो यहाँ पर देखो साइन चेंज हो जाएगा जब इन्वर्स करोगे इसको, तो यानी वेपर प्रेशर जो होगा ए का ज्यादा है, ठीक है, बट यहाँ पे 1 बाई वेपर प्रेशर दिया हुआ है, यानी 1 बाई टोटल प्रेशर का ग्राफ बनाना था इसलिए मैंने उसको वैसा किया। यानी ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, 1 बाई पी ए नॉट की 1 बाई पी बी नॉट, 1 बाई पी बी नॉट। यानी यहाँ पर ये 1 बाई पी टोटल दिया हुआ है, ठीक है, तो वैसे होगा। अब देखो आपको बोल रहा कि ये 1, ये दो चीजें हैं, मान लो दोनों में डिफरेंस होगा पी नॉट पी बी नॉट में। अब किस में देखो ये, अब कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, 1 बाई में बना रहे हैं हम लोग, तो ये होगा 1 बाई कोऑर्डिनेट पी बी नॉट होगा, और ये क्या होगा, 1 बाई पी ए नॉट। क्यों, क्योंकि 1 बाई पी ए नॉट कम होगा और 1 बाई पी बी नॉट ज्यादा होगा, क्लियर है, चलो ठीक है। अब देखो यहां से क्या दिख रहा है, जब वाई की वैल्यू जीरो है तो 1 बाई टोटल प्रेशर 1 बाई पी बी नॉट है, तो 1 बाई टोटल प्रेशर 1 बाई पी बी नॉट है, कब, जब वाई ए जीरो है, जब वाई ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, यानी एक्स वाई भी जब जीरो है तो 1 बाई टोटल पी टोटल 1 बाई पी ए नॉट है, यानी ये वाली वैल्यू है, क्या बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को, चलो ठीक है। अब तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो पता चल गया, बीच में ग्राफ कैसा होगा। तो अगर आप ध्यान से बच्चों देखो, मैं बोल रहा हूँ ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि देखो 1 बाई पी बी नॉट की वैल्यू ज्यादा है और 1 बाई पी नॉट कम है, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है, मतलब माइनस फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, यानी ये वाला पार्ट क्या होगा, पूरा निगेटिव होगा, ठीक है ना। तो यहां पर एक्चुअल में निगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब अगर मैं देखो वाई ए लेफ्ट से राइट जाओगे तो वाई ए इंक्रीज करेगा, यानी अगर वाई ए इंक्रीज करेगा, ठीक है, या फिर तुम ऐसा लिख सकते हो, पूरा लिख दे रहा हूं, जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा, वाई ए की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है, बट माइनस वाई ए डिक्रीज करेगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ, क्योंकि ये पूरा टर्म निगेटिव है, तो ये माइनस वाई ए डिक्रीज करेगा और ये पूरा टर्म डिक्रीज करेगा, तो 1 बाई पी टोटल भी क्या होगा, 1 बाई पी टोटल भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर 1 बाई पी टोटल की वैल्यू डिक्रीज करेगी। और देख लो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, समझो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाई ए इंक्रीज करोगे तो ये निगेटिव में है, यानी ये वाली पूरी वैल्यू डिक्रीज करेगी, यानी 1 बाई पी टोटल इस वैल्यू के बराबर है, यानी 1 बाई पी टोटल डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा मतलब क्या होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ बन गया, क्लियर है, तो देख लो नोट कर लो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा ऐसे ग्राफ, तो बोलेगा 1 बाई पी टोटल वर्सेस स्मॉल सेक्शन वेपर फेस में ग्राफ बनाओ, तो ये हो गया ग्राफ। तो यहाँ तो समझने वाली बात है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, तो आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो यहाँ पर पी ए नॉट की वैल्यू पी बी नॉट से ज्यादा है, जो कि हम लोगों ने पहले भी लिया था, ठीक है, तो पी ए नॉट ज्यादा वाला पी ए नॉट होगा और कम वाला पी बी नॉट होगा, क्लियर है। अब देखो जब वाई ए की वैल्यू जीरो है तो टोटल प्रेशर कितना आ रहा है, यहाँ पर देखो 1 बाई पी टोटल पी बी नॉट के इक्वल है 1 बाई पी बी नॉट, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो सेम है, टोटल प्रेशर कितना होगा पी बी नॉट होगा, क्लियर है, यहाँ पर टोटल प्रेशर कितना होगा पी ए नॉट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जब वाई ए जीरो है तो टोटल प्रेशर पी बी नॉट है, तो टोटल प्रेशर पी बी नॉट है, ये वाला पॉइंट आ गया इनिशियल पॉइंट। अब बोला जब वाई ए क्या है आपका, वाई ए 1 है तो टोटल प्रेशर पी ए नॉट है, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपके आ चुके हैं। अब देखो बीच में कर्व कैसा होगा, अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो टोटल प्रेशर क्या होगा आपको लगेगा क्या होगा, चलो मैं देखता हूँ यहाँ पर, अगर आप वाई ए की वैल्यू इंक्रीज करोगे लेफ्ट से राइट अगर जाओगे तो वाई ए इंक्रीज करेगा तो माइनस वाई ए डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि फिर अभी देखो ये वाली वैल्यू निगेटिव होगी, जैसा कि अभी पढ़ा था हम लोगों ने, जैसे यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ जो मैंने रफ कर दिया था ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू ज़्यादा ये वैल्यू कम है, मतलब ये निगेटिव आने वाला है, तो वाई ए बढ़ाओगे तो माइनस वाई ए कम होगा, यानी ये वाली वैल्यू पूरी कम होगी,
ये वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू तो 1 बाई पी टोटल है, इसका मतलब 1 बाई पी टोटल कम होगा, और 1 बाई पी टोटल कम होगा इसका मतलब क्या होगा, पी टोटल बढ़ेगा। 1 बाई पी टोटल कम होगा मतलब क्या होगा, पी टोटल की वैल्यू बढ़ेगी। कैसा ग्राफ बनेगा देखो यहाँ पर ध्यान से, तो ग्राफ की वैल्यू क्या आएगी, ये ऐसा ग्राफ बनेगा, समझ में आ रहा, ध्यान से देख लो। तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, ठीक है ना, तो समझ जाना बात को। तो देखो ये इंपॉर्टेंट था, तो आपसे देखो यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ डिस्कस किया कि टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में ग्राफ कैसा होगा, और टोटल प्रेशर 1 बाई टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ कैसा होगा। ये दोनों ही ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। याद क्या, आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको इक्वेशन आती है तो आपको इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और ग्राफ भी बन जाएगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। तो आप नोट कर लीजिए, टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो उसको पढ़ने से पहले आपको एक बात को समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो समझाता हूं, उसके बाद हम उस ग्राफ के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि आपको देखो दिख रहा है यहां पर ये कंटेनर है, मैंने क्या किया इस कंटेनर में दो लिक्विड ले लिया, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, दिख रहा है आप लोगों को। अब मैंने इसका टेम्परेचर, कंटेनर का टेम्परेचर कुछ मैंने कितना कर दिया, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी कर दिया। अब आप जैसे ही लिक्विड को हीट करोगे, अब लिक्विड दोनों वोलेटाइल है, यानी दोनों की यहाँ पे क्या बनेगी, वेपर फॉर्म में बनेगी, यानी यहाँ पर ए की वेपर भी आएगी और बी की वेपर भी आएगी, ठीक है। अब दोनों लिक्विड क्या है, अलग अलग है, तो डिस्टेशन कब करते हैं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि लिक्विड ए का जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड बी के वेपर प्रेशर से ज्यादा है, इसका मतलब वेपर किसकी ज्यादा बनेगी, लिक्विड ए की वेपर ज्यादा बनेगी, समझ रहे हो आप बात को, ठीक है ना। तो यानी सपोज करो मैंने यहाँ पर मान लिया कि लिक्विड ए 50% था और लिक्विड बी भी कितना था, 50% था, दिख रहा है आप लोगों को। अब ये वोलेटाइल ज्यादा है क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो वेपर फॉर्म में ज्यादा आएगा, यानी 50% से ज्यादा हो जाएगा। अब 50% ज्यादा कितना हो सकता है, चलो मैंने मान लिया कि ये हो गया 80% हो गया, ठीक है, आप कोई भी वैल्यू मान सकते हो, तो मैंने 80% मान लिया कि 80% हो गया, तो ये कितना बचेगा टोटल। तो फ्रैक्शन क्या होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है, वैसे टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है, तो ये 80 होगा, तो कितना हो गया, ये 20 हो गया, क्लियर है। अब मैंने इसको क्या किया, एक पाइप से कनेक्ट कर दिया देखो, ठीक है। तो जैसे आप इस पाइप से कनेक्ट करोगे, ये वेपर क्या होगी, इस पाइप से फ्लो होने लगेगी, फिर मैंने इसको कंडेंस कर दिया। जैसे आप कंडेंस करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, यही वाली वेपर क्या बन जाएगी, यहाँ पर लिक्विड बन जाएगी, क्लियर है। यानी यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड ए होगा प्लस लिक्विड बी होगा, देख रहे हैं। अब इसमें लिक्विड ए लिक्विड बी का परसेंट क्या होगा, तो देखो यहाँ पर यही पेपर को तो मैंने कंडेंस किया है, यानी यहाँ पर लिक्विड ए का परसेंट कितना होगा, जो परसेंट यहाँ पेपर फॉर्म में है 80%, और लिक्विड बी का परसेंट कितना होगा, ये 20%, क्लियर है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखो मैंने फिर देखो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे हीट किया, सेम टेम्परेचर पर, और जब इसको हीट करोगे तो अब क्या होगा, अभी भी ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होगा, इसकी वेपर ज्यादा बनेगी और बी की वेपर कम बनेगी, यानी यहां पर भी क्या होगा, ए भी होगा और बी की वेपर भी होगी, क्योंकि इवेपोरेशन प्रोसेस तो किसी भी टेम्परेचर पे होती है, तो ये भी ये कम इवेपोरेट करेगा, बट इवेपोरेट तो करेगा ना, और ये ज्यादा इवेपोरेट करेगा। अब क्या होगा, इसका परसेंट 80% से और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये इवेपोरेट ज्यादा कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसका वेपोरेशन भी क्या है, ज्यादा है। यानी अभी 80% से ज्यादा कितना हो जाएगा, चलो मैंने मान लिया कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा, ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, क्लियर है। तो देखो यहां पर कितना इंक्रीज किया, देखो 50 का तो कितना हो गया, 80 हो गया, क्लियर है। तो यहां देखो परसेंटेज ज्यादा इवेपोरेट किया, यहां पर देखो थोड़ा इवेपोरेट करने का परसेंट क्या हो गया, तुम्हारा कम हो गया, तो 80 का तो कितना इवेपोरेट किया, 90 पहुंचा, क्लियर है। तो यहां पर देखो क्या हो गया, डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है। फिर आप क्या करोगे, फिर इस वेपर को मैंने क्या किया, एक पाइप के थ्रू मैंने क्या किया, फ्लो करवाया और उसको मैंने कंडेंस करा दिया,
इस वेपर को आप जैसे क्या करोगे, कंडेंस कराओगे, कंडेंस करना मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करना, तो ये लिक्विड बन जाएगा। यानी यहां पर भी लिक्विड ए होगा और यहां पर लिक्विड बी भी होगा, क्लियर है। लिक्विड ए कितना है, यहाँ 90% और 10% है, और इसी को हमने लिक्विड बना दिया वेपर को, तो यही वेपर लिक्विड बना है, इसका मतलब ये कितना होगा 90% होगा और ये कितना होगा 10% होगा, क्लियर है। फिर मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट कर दिया, टी टेम्परेचर पर, फिर ये वोलेटाइल ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो ये क्या होगा इवेपोरेट ज्यादा करेगा, यानी यहां पर क्या आएगा ए भी आएगा और बी भी आएगा, क्लियर है, ठीक है। देखो तो यहां पर डिफरेंस ज्यादा था, जैसे तो तुम इसको कई पार्ट में डिवाइड करोगे वैसे वैसे क्या होगा डिफरेंस ये वाला कम होता जाएगा। तो पहले यहाँ देखो 50% ए था, फिर 80% हो गया, फिर 90% हो गया, तो देखो ए का परसेंटेज इंक्रीज करता जा रहा है, मतलब ये सेपरेट होता जा रहा है, प्योरिटी इंक्रीज करती जा रही है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस इतना था, यहाँ पर डिफरेंस कम है, और इस यहाँ डिफरेंस और कम होगा, मतलब यहाँ पर मान लो वैल्यू आ गई 98%, तो ये कितना आएगा 2% आ गया, क्लियर है। तो अब देखो मैंने क्या किया, इस वेपर को मैंने फिर क्या किया, कंडेंस किया, यानी इसको पाइप के थ्रू फ्लो किया और फिर इसको फिर कंडेंस कर दिया। फिर कंडेंस करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो यहां पर भी क्या होगा, लिक्विड ए आ जाएगा और लिक्विड बी आ जाएगा, क्लियर है। अब यहां पे लिक्विड कौन सा आएगा, यही वाला लिक्विड आएगा जो वेपर है, वही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहां जो वेपर फेज मोल फ्रैक्शन होगा, वही यहां पे मोल फ्रैक्शन क्या होगा, लिक्विड फेज में होगा। इसका मतलब ये कितना हो गया 98% हो गया और ये कितना हो गया 2% हो गया, क्लियर है। फिर बाद में टेम्परेचर क्या किया, टी कर दिया, क्लियर है। देखो धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कई पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेशन को यूज कर रहे हैं। पहली बार डिस्टेशन किया तो ए का परसेंट थोड़ा बढ़ गया, दूसरी बार किया तो और बढ़ गया, तीसरी बार किया और बढ़ गया, तो ऐसे आप बार बार इंक्रीज करोगे तो ए का परसेंट क्या होगा इंक्रीज करता जाएगा, क्लियर है। यानी ए कहाँ जा रहा है, प्योरिटी के साइड पे जा रहा है, यानी दोनों लिक्विड क्या हो जा रहे हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि डिस्टिलेशन से दो लिक्विड को हम लोग क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, क्लियर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर कभी भी सेपरेशन 100% नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहां पर डिफरेंस हमेशा जब देखा गया, डिफरेंस जो होता है डिस्टिलेशन करने में बार बार डिफरेंस डिक्रीज करता है। जैसे यहां पर देखो 50 से 80 पहुंच गया, डिफरेंस ज्यादा था, फिर 80 से कहां पहुंचा 90 पहुंच गया, तो यहां डिफरेंस ज्यादा था, यहां पर डिफरेंस कम हो गया मोल फ्रैक्शन में, फिर यहां पर डिफरेंस और कम हो गया, तो ऐसे क्या होगा, बार बार आप डिस्टिलेशन यूज करोगे तो बार बार डिफरेंस कम होता जाएगा। तो एक बार ऐसा आएगा डिफरेंस कम होते होते एक बार में जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जैसे कि मान लो ये 90% और 2% है, अब सेम टेम्परेचर पे हीट करोगे तो यहां पर क्या होगा, अब दोनों वोलेटाइल है, दोनों की पेपर बनेगी, ए भी दोनों की पेपर बनेगी, तो ये देखो यहां पेपर बन गई, ये फिर क्या होगा इक्विलिब्रियम भी आएगा। अब इस केस में क्या होगा, जब डिफरेंस देखो स्टार्टिंग से डिफरेंस डिक्रीज करता जा रहा है, तो एक टाइम जरूर ऐसा आएगा जहां पर डिफरेंस डिक्रीज करते करते जीरो हो जाएगा, और जीरो होने का मतलब ये होता है कि यहां पर अब ए देखोगे ए 90% ही होगा और बी कितना होगा 2% होगा। यानी जो मोल फ्रैक्शन दोनों लिक्विड का लिक्विड फेज में था, वही मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में भी हो जाएगा। यानी अब इसके बाद दोनों लिक्विड सेपरेट नहीं करेंगे, यानी डिस्टिलेशन से दो लिक्विड को 100% आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। आ रही बात समझ में आप लोगों को, तो समझो ध्यान से, सेपरेट क्यों नहीं कर सकते हो, इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे आप डिस्टिलेशन की प्रोसेस रिपीट करोगे वैसे वैसे सेपरेट होने का तो डिफरेंस होता है धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक टाइम जरूर ऐसा आएगा, कोई भी लिक्विड ले लो दो लिक्विड को, एक टाइम जरूर ऐसा आएगा जहां पर वो डिफरेंस जीरो हो जाएगा, यानी उसके बाद वो लिक्विड दोनों सेपरेट नहीं होते हैं। तो कभी भी 100% डिस्टिलेशन से लिक्विड सेपरेट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये जो मिक्सचर बचा हुआ है लिक्विड का मिक्सचर, ठीक है ना, ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एक नाम दिया गया, ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, वो ऐसे मिक्सचर जिन जो मोल फ्रैक्शन का लिक्विड फेज में होता है वही मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में होता है, तो ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में, इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे, फिर ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, ठीक है ना, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होता है, तो वो डिस्कस करेंगे हम लोग।
क्लियर है? तो आप याद रख लो एजियोटॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, जो मोल फ्रैक्शन, ऐसे मिक्सचर जिनका मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड फेस में होता है वही मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में होता है, तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं एजियोटॉपिक मिक्सचर। ठीक है, तो लिक्विड एयर देखो 98% है, यहाँ पे भी 98% है, यहाँ पे 2% है, यहाँ पर भी 2% है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो आप इसको नोट कर लो। आपसे अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपको यहाँ पर इस लिक्विड का मोल के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी या तो मास के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होगी, तो हम लोग मोल कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर लिक्विड ए लिक्विड बी के मोल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, पीए नॉट पीबी नॉट क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपसे बोलेगा कि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो। तो देखो क्वेश्चन कैसा होगा, इसको चलो मैंने मान लिया कि इसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेस में एक्स ए है और इसका एक्स बी है, क्योंकि एक्स ए एक्स बी को हम लोग मोल फ्रैक्शन मानते हैं लिक्विड फेस में, और इसका मोल फ्रैक्शन मैंने मान लिया वेपर फेस में लिक्विड ए का, हम लोग क्या मान रहे थे पहले वाई ए वाई बी मान रहे थे, मैंने वाई ए वाई बी मान लिया, क्लियर है? अब मैंने देखो क्या किया यहाँ पर, अब आपसे देखो एक्स ए एक्स बी की क्वेश्चन में वैल्यू दी जाएगी, बोला जाएगा वाई ए वाई बी कैलकुलेट करो। तो इसके जस्ट पहले हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें देखो हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया था, तो मैं देखो यहाँ लिख देता हूँ, तो हम लोगों को याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पर वाई ए डिवाइड बाई वाई बी इक्वल टू क्या लिखा था हम लोगों ने, पी ए नॉट एक्स ए डिवाइड बाई पी बी नॉट एक्स बी। क्या बच्चों आज बात समझ में आप लोगों को? ठीक है ना, तो यहाँ वाई ए बाई वाई बी का रेशियो आ गया, और हम लोगों को पता है वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू कितना होता है, वन होता है। तो इन दो इक्वेशन की हेल्प से मैं क्या करूंगा, सॉल्व कर लूंगा। देखो यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन होगा क्वेश्चन में, वो भी लिख देता हूँ। तो आपको गिवन होगा पी ए नॉट पी बी नॉट, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और आपको एक्स ए एक्स बी की वैल्यू गिवन होगी। हो सकता है एक्स ए एक्स बी ना दिया हो तो क्या होगा, ए और बी के मोल्स दिए जाएंगे तो एक्स ए एक्स बी कैलकुलेट कर लोगे, या फिर हो सकता है ए बी के मोल्स ना दिया जाए तो ए बी का मास आपको दिया जाएगा और दोनों का मोलर मास पता होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मोल कैलकुलेट कर लेंगे, मोल के बाद मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, क्लियर है? तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और पूछा जाएगा वाई ए वाई बी कैलकुलेट करो। तो इसके जस्ट पहले हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये दिया हुआ होता था तो वाई ए बाई वाई बी हम लोग निकाल लेते थे। कैसे निकालते थे, वाई ए बाई वाई बी का रेशो यहाँ से आ जाएगा। और ये इक्वेशन कैसे आई थी, डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ को हम लोगों ने यूज करके निकाली थी, और वाई ए प्लस वाई बी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्लियर है? ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि ये तो ओरिजिनल सोल्यूशन था, बोलेगा हमने फर्स्ट टाइम कंडेंसेट किया, ये कब कौन से टाइम कंडेंस कर रहे हैं हम लोग, ये कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट टाइम कंडेंस कर रहे हैं, तो बोलेगा बताओ इस वाले का मोल फ्रैक्शन बताओ। तो चलो मैंने इसका मान लिया कि इसका मोल फ्रैक्शन मान लो लिक्विड फेज में एक्स ए डैश मान लिया, क्योंकि इसका एक्स ए माना हुआ था, इसका एक्स बी माना था, तो मैं इसको क्या मान लिया, एक्स बी डैश मान लिया। तो बोलेगा एक्स ए डैश और एक्स बी डैश की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू क्या होगी, यही वेपर को तो कंडेंस किया गया है, तो जो यहाँ पर वाई ए की वैल्यू होगी वही यहाँ पर एक्स ए डैश होगा। तो मैं लिख देता हूँ, तो जो यहाँ पर वाई ए होगा वही क्या होगा, एक्स ए डैश होगा, और जो यहाँ पर वाई बी होगा वो यहाँ पे क्या होगा, एक्स बी डैश होगा, क्लियर है? यानी ये वैल्यू पता होगी तो मैं यहाँ से वाई ए वाई बी निकाल लूंगा, अगर वाई ए वाई बी आ गया मतलब एक्स ए डैश और एक्स बी डैश भी आ चुका है, क्लियर है? तो आप देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको फिर मैं देखो टेम्परेचर टी टेम्परेचर पर हीट कर रहा हूँ, तो फिर देखो यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, वेपर बनेगी, तो मैंने इसके मोल फ्रैक्शन मान लिया वाई ए डैश मान लिया, इसके मोल फ्रैक्शन को वाई बी डैश मान लिया, क्लियर है? फिर इसमें हम लोग यही लॉ लगा सकते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर वाई ए बाई वाई बी का रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने वाई ए डैश वाई बी डैश लिखा हुआ है, वाई ए वाई बी ना लिख के वाई ए डैश वाई बी डैश लिखा, तो मैं डैश लगा दिया। यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर एक्स एक्स बी था, यहाँ पर एक्स ए डैश एक्स बी डैश है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, पी ए नॉट इंटू एक्स ए डैश डिवाइड बाई पी बी नॉट इंटू एक्स बी डैश हो गया, क्लियर है? और एक्स ए डैश एक्स बी डैश की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, और यहां पर आपको क्या पता होगा, वाई ए डैश प्लस वाई बी डैश इक्वल टू कितना होगा, वन होगा। तो ये दो इक्वेशन का यूज करके हम लोग वाई ए डैश वाई बी डैश कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपसे बोलेगा वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालो, तो यहां निकल जाएगा, या फिर यहां भी नहीं पूछेगा, बोलेगा फर्स्ट टाइम जब मैंने कंडेंस किया तब निकालो, यानी वाई ए डैश और वाई बी डैश की वैल्यू पूछ रहा है, वाई ए वाई बी नहीं पूछ रहा है आपसे। एक आपसे ये भी पूछ सकता है कि वाई ए डबल डैश जब मैंने सेकेंड टाइम कंडेंस किया तो बोलेगा तब बताओ वैल्यू कितनी होगी। चलो फिर भी हम लोग इसको भी कर सकते हैं, तो इसको मैंने क्या मान लिया,
एक्स से डबल डैश मान लिया, इसको एक्स बी डबल डैश मान लिया। वेपर फेज से मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया मोल फ्रैक्शन को वाई ए डबल डैश मान लिया, इसके मोल फ्रैक्शन को मैंने मान लिया वाई बी डबल डैश है। क्लियर है? फिर यहां पर देखो हम लोग सेम यही फंडा लगाते हैं, वाई ए बाई वाई बी डबल डैश इक्वल टू क्या होगा, पी ए नॉट एक्स ए डबल डैश डिवाइड बाई पी बी नॉट एक्स बी डबल डैश। तो आपको पी ए नॉट पी बी नॉट तो क्वेश्चन में दिया जाएगा, अब एक्स ए डबल डैश एक्स बी डबल डैश क्या होगा, तो चलो मैं लिख देता हूं। तो आपने यहां से वाई ए डैश वाई बी डैश निकाल लिया था, क्लियर है? अब उस वाई ए डैश इसी वेपर को तो कंडेंस किया गया है, यानी ये वाली जो वाई ए डैश की वैल्यू होगी वही क्या होगा, एक्स ए डबल डैश होगा, और जो वाई बी डैश होगा वही क्या होगा, एक्स बी डबल डैश होगा। ठीक है? तो बच्चों समझ में आ रहा होगा, यहां से क्या होगा, वाई ए डबल डैश वाई बी डबल डैश की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और मुझे पता है वाई ए डबल डैश प्लस वाई बी डबल डैश कितना होता है, ये वन होता है। तो यहाँ दो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो वाई ए डबल डैश और वाई बी डबल डैश सॉल्व हो जाएगा। तो आपसे मोल फ्रैक्शन ओरिजिनल सॉल्यूशन नहीं पूछ सकता वेपर फेज में, जब बोलेगा फर्स्ट टाइम कंडेंस किया तब बताओ तब भी निकाल सकते हैं, सेकेंड टाइम कंडेंस करेगा तब भी निकाल सकते हो, थर्ड टाइम करेगा तब भी निकाल सकते हो। क्लियर है? तो इसका आप एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। देखो हम लोग जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इसको देखो आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ एक्स ए डैश बाई एक्स बी डैश की वैल्यू रखो, तो एक्स ए डैश क्या था तुम्हारा, वाई ए बाई वाई बी था। देखो मैं ऊपर रख के देखो यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो मैं इसका जनरल फॉर्मूला बनाता हूँ, जैसे कि देखो मैं इसका बनाता हूँ, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, मैं इस सबको रफ कर देता हूँ। तो अगर मैं देखूँ वाई ए डैश बाई वाई बी डैश ये इक्वल टू क्या होगा, पी ए नॉट एक्स ए डैश डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है, पी बी नॉट एक्स बी डैश लिखा हुआ है, और एक्स ए डैश क्या होगा, जो वाई ए होगा, यानी मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, वाई ए लिख सकता हूँ, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई बी लिख सकता हूँ। क्लियर है? और वाई ए वाई बी की वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू होगी, तो मैं चलो ये वाली वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आ गया पी ए नॉट, ये हो गया पी ए नॉट एक्स ए डिवाइड बाई पी बी नॉट इंटू पी बी नॉट एक्स बी। क्लियर है? तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो पी ए नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई पी बी नॉट का स्क्वायर, में पूरे का होल स्क्वायर कर देता हूं, इंटू आ गया एक्स ए बाई एक्स बी आ गया। यानी जब फर्स्ट टाइम कंडेंस करोगे आप, तो यहां पर देखो जब फर्स्ट टाइम कंडेंस किया वन मतलब फर्स्ट टाइम किया, तो यहां पर देखो स्क्वायर आ रहा है। क्लियर है? वैसे आप देखो सेकंड टाइम कंडेंस करोगे, तो चलो मैं सेकंड टाइम का भी निकाल देता हूँ, वाई ए बाई वाई बी डबल डैश इक्वल टू क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, पी ए नॉट एक्स ए डिवाइड बाई क्या होगा, डबल डैश वैसे पी बी नॉट एक्स बी डबल डैश होगा। ठीक है? और एक्स ए डबल डैश और एक्स बी डबल डैश क्या होगा, जो वाई ए डैश और वाई बी डैश होगा। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि ये क्या है, वाई ए डैश है, और ये क्या है, वाई बी डैश है। क्या बात आ रही है आप लोगों को समझ में? ठीक है? अब वाई ए डैश वाई बी डैश की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, देखो ये वैल्यू लिखी हुई है, तो मैं इसकी जगह देखो ये वाली वैल्यू रख देता हूँ। तो यानी ये लिखा होगा पी ए नॉट डिवाइड बाई पी बी नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स ए बाई एक्स बी। यानी यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, पी ए नॉट बाई पी बी नॉट की पावर क्या हो गई, देखो थ्री हो गई, एक्स ए बाई एक्स बी हो गया। क्लियर है? देखो तो देखो यहाँ पर आप देखो एक ये फॉर्मूला टाइप का बन रहा है। देखो मैंने जब फर्स्ट टाइम कंडेंस, देखो यहाँ पर जब कंडेंस नहीं किया था, ये ओरिजिनल सॉल्यूशन था, तो यहाँ देखो इसकी पावर बना रही थी पी नॉट बाई पी बी नॉट की पावर, एक्स ए बाई एक्स बी कॉमन है। देखो यहाँ पर भी देखो एक्स ए बाई एक्स बी कॉमन है, तो जब सेकेंड टाइम कंडेंस किया तो पी ए नॉट बाई पी बी नॉट का स्क्वायर आ रहा था, जब आपने सेकेंड टाइम कंडेंस किया तो यहाँ देखो पावर कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है। यानी अगर आप देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है ना, पॉज करके वीडियो को। अगर आप इसको n टाइम कंडेंस करोगे, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो जब आप इसको nth टाइम्स कंडेंस करोगे, तो यहां पर जो क्या होगा, मान लो ये n डैश हो गया, ठीक है ना, ये डैश डैश कितनी बार हो गया, n बार हो गया, यानी मैं इसको लिख देता हूं n डैश, ठीक है। और ये वाई बी मैंने क्या कर दिया, एन डैश मतलब आपने एन टाइम्स कंडेंस कर दिया। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा,
पी ए नॉट बाई पी बी नॉट की पावर एन प्लस वन इंटू एक्स ए बाई एक्स बी बनेगा। तो आप डायरेक्ट इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, या अगर आपको फॉर्मूला सॉल्व नहीं करना है तो आप इसको लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पर ठीक है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि एजियोटॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं। ऐसे दो लिक्विड का मिक्सचर जिनका लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन होता है वही मोल फ्रैक्शन अगर वेपर फेज में भी है तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? एजियोटॉपिक मिक्सचर। उनको हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो देखो उसी को हम लोगों ने डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। एन एजियोटॉपिक और ए कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स हुज प्रोपोर्शंस कैन नॉट बी चेंज बाई सिंपल डिस्टिलेशन। क्लियर है? यदि हम सिंपल डिस्टिलेशन से उन दोनों लिक्विड को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में होता है वही मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में होता है। अरे बात समझ में? आइडियल सोल्यूशन नेवर बी एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन। अब अभी हम लोग बच्चों आगे डिस्कस करेंगे कि आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, निगेटिव डेविएशन क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, फिर मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स क्या होता है, वो हम लोग आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? तो इतना टेंशन मत लेना। तो आइडियल सोल्यूशन कभी भी एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन नहीं हो सकते हैं, आपको आगे समझ में आएगा। क्लियर है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, वो भी दोनों टाइप के पढ़ने वाले हैं हम लोग। इनके ऊपर ग्राफ भी पूछा जाता है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्लियर है? तो वन बाय वन हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा आपको नया नया लग रहा होगा, एजियोट्रॉप्स क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग मैक्सिमम बॉइलिंग क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो थोड़ा सा वेट करो, आपको और अच्छे समझ में आएगा। क्लियर है? बट ये याद रखना है कि एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो आप नोट कर लो इसको। तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि बॉइलिंग क्या होती है, या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने से वेपर प्रेशर की वैल्यू कम क्यों होती है, या फिर बॉइलिंग और इवेपरेशन में डिफरेंस क्या होता है। क्लियर है? तो बॉइलिंग समझने से पहले आपको वेपर प्रेशर के बारे में जानना चाहिए। तो अगर आपको वेपर प्रेशर के बारे में पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो पुराने वीडियोज देख लेना, ठीक है, तो आपको भी पता चल जाएगा। तो देखो वेपर प्रेशर क्या होता है, हर लिक्विड इवेपरेट करता है तो उसकी वेपर बनती है, और वेपर कुछ ना कुछ प्रेशर लगाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो हर लिक्विड का क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग बॉइलिंग पे। तो जब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर या फिर उसके सराउंडिंग के प्रेशर के बराबर हो जाता है, ध्यान से सुनो, जब भी किसी भी लिक्विड का प्रेशर उसके सराउंडिंग के प्रेशर के बराबर हो जाता है तब हम लोग बोलते हैं कि बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, उसको बोलते हैं कि बॉइलिंग स्टार्ट है, और जिस टेम्परेचर पे बराबर होता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, यानी उस टेम्परेचर को बोलेंगे एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर सराउंडिंग द लिक्विड। समझ में आ रही बातें? यानी किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है जब भी वो उसके सराउंडिंग के प्रेशर के बराबर हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं कि बॉइलिंग होगी, ठीक है, और जिस टेम्परेचर पर होगा उसके बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर, यानी बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाना चाहूँगा। जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर में मान लो वाटर लिया, ठीक है, तो वाटर हर लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है तो वाटर का भी क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। क्लियर है? अब वाटर की बॉइलिंग कब होगी? जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? मान लो मैंने टेम्परेचर ले लिया 5 डिग्री सेल्सियस, तो 5 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, तो मतलब बॉइलिंग नहीं होगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? वेपर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो वाटर का मैंने क्या किया, 5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा के 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ गया, फिर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं पहुंचा अभी तक। तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर टेम्परेचर बढ़ा दूंगा। टेम्परेचर बढ़ा के मैंने कर दिया मान लो 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो 50 डिग्री सेल्सियस वाटर फिर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं पहुंचेगा। फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ा के मान लो 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया, अभी भी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं पहुंचा है। फिर मैंने इंक्रीज करके मान लो वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो जैसे आप वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस करोगे वैसे क्या होगा, वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, यानी अब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? और 100 डिग्री सेल्सियस से बॉइलिंग हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या समझ पा रहे हो बात आप लोगों? ठीक है,
तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर का वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, क्लियर है। और 100 डिग्री के सेल्सियस के टेम्परेचर को वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, क्लियर है। तो आप इसको नोट कर लो। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बॉइलिंग क्या होती है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन में, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो आप नोट करो इसको। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोगों को याद हो कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, क्लियर है। एंड इसके जस्ट पहले पढ़ा है बॉइलिंग के बारे में हम लोगों ने, तो मैं डिफरेंस लिख देता हूँ। तो जैसा कि मैं बताऊँ, इवेपोरेशन जो होता है वो क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पर होता है, जबकि बॉइलिंग किसी भी टेम्परेचर पर नहीं होता, वो फिक्स टेम्परेचर पर होता है। तो वही फर्स्ट डिफरेंस लिखा है, इवेपोरेशन कैन अकर एट एनी टेम्परेचर, बॉइलिंग ऑलवेज एट अ फिक्स टेम्परेचर, क्लियर है। अब देखो सेकेंड, जब भी इवेपोरेशन होता है तो कोई भी बबल्स नहीं बनते हैं, जबकि जब बॉइलिंग होती है तो बॉइलिंग मतलब होता है कि जब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ चुका है, ठीक है। तो बॉइलिंग कब होगी, जब आप नीचे से हीट करोगे, ठीक है ना। तो नॉर्मल वाटर रख दो, तो वाटर की बॉइलिंग कब होगी, जब 100 डिग्री सेल्सियस क्या करोगे आप, टेम्परेचर कर दोगे। तो आप जैसे हीट करोगे तो बॉटम में क्या होगा, अब हीट करोगे तो लिक्विड क्या होगा, वेपर बनेगा। और जब बॉटम का लिक्विड वेपर बनेगा तो वहां पर बबल्स बन जाएंगे, क्लियर है। तो जब भी इवेपोरेशन होता तो कोई भी बबल्स नहीं बनते हैं, जबकि जब बॉइलिंग होती है तो वहां पे क्या होते हैं, बबल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट डिफरेंस देखो, इवेपोरेशन क्या एक सरफेस फेनोमिना है, यानी इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या होती है, सरफेस में होती है, जबकि बॉइलिंग क्या होता है, थ्रू आउट द एंटायर लिक्विड होगा, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो कि जब भी इवेपोरेशन होता है, अब इवेपोरेशन मतलब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि एनर्जी दोगे तभी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। तो जब इवेपोरेशन एक नेचुरल फेनोमिना है, यानी लिक्विड से वेपर कन्वर्ट होने के लिए बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, तो अपने सराउंडिंग से क्या करता है, लिक्विड एनर्जी ले लेता है, जिसे इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या होती है, हो जाती है, यानी वही लिखा हुआ है, एनर्जी सप्लाइड बाई सराउंडिंग। जबकि मैं बात करूँ बॉइलिंग के लिए, बॉइलिंग में के लिए क्या होगा, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, आपको एक्स्ट्रा सप्लाई करनी पड़ेगी, तो वही लिखा हुआ है सोर्स ऑफ एनर्जी नीडेड, क्लियर है। जबकि मैं बात करूँ इवेपोरेशन क्या होगा, एक स्लो प्रोसेस है, जबकि बॉइलिंग क्या है, क्विक प्रोसेस है, मतलब क्या है, फास्ट प्रोसेस है। आ रही बात समझ में आप लोगों को, तो डिफरेंस आप लिख लो, ठीक है ना। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। मुझे लगता नहीं इसमें कोई डाउट होगा, फिर भी नोट करिए आप लोग। तो बच्चों देखो, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट और बबल पॉइंट में डिफरेंस क्या होता है। तो जैसा कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है। और जब बॉइलिंग होती है तो वहां पर क्या होता है, बबल्स बनना स्टार्ट होते हैं, ये भी डिस्कस किया हम लोगों ने, क्लियर है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट और बबल पॉइंट दोनों सेम ही होते हैं, बट दोनों में डिफरेंस मेन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में भी बबल बनता है और बबल पॉइंट में भी बबल बनता है, बट बॉइलिंग पॉइंट हमेशा प्योर का होता है, प्योर लिक्विड का, जबकि बबल्स पॉइंट क्या होता है, मिक्सचर का होता है, समझो। जैसे मान लो वाटर को मैं बॉइल कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, जब पहला बबल बनेगा वाटर का, तो वाटर प्योर है, तो उसको क्या बोलोगे आप, बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे। अब वाटर में मैंने क्या किया कि लिक्विड मिक्स कर दिया, अब उसके मिक्सचर को जब आप हीट करोगे तब जब पहला बबल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट बोलते हैं, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, आप देख लो यहाँ पर, नोट कर लो। तो उस मेन डिफरेंस बस यही है कि बॉइलिंग पॉइंट प्योर का होता है, जबकि बबल पॉइंट मिक्सचर का होता है। इसमें जब पहला बबल बनेगा उसको बोलते हैं वो बॉइलिंग टेम्परेचर है, तो बच्चों देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट और बबल पॉइंट में डिफरेंस क्या होता है। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि बॉइलिंग मतलब क्या होता है, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पर बराबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और जब बॉइलिंग स्टार्ट होती है तब वहाँ पर बबल्स बनना स्टार्ट होता है, यानी आप ये भी बोल सकते हो जब पहला बबल बनता है
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अब बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, यानी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ चुका है। क्लियर है? तो अब देखो इन दोनों में डिफरेंस देखते क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा प्योर लिक्विड का होता है, जबकि बबल पॉइंट क्या होता है, मिक्सचर का होता है। जैसे मान लो वाटर है, मैंने वाटर को मैं हीट कर रहा हूँ, तो जैसे वाटर को हीट करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे मान लो, तो वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा, जैसे वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा वैसे वाटर की पहली का क्या बनेगा, बबल बनेगा। तो जैसे आप इसको 100 डिग्री पे वाटर को हीट करोगे तो पहला बबल बनेगा, हम लोग बोलेंगे ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर है? और बबल पॉइंट अगर मैंने दो मिक्सचर ले लिया, यदि वाटर में मैंने एक दूसरा लिक्विड मिक्स कर दिया, तब तो वो मिक्सचर हो गया। अब मिक्सचर जिस टेम्परेचर पर हीट होगा, यानी जिस टेम्परेचर पर मिक्सचर का पहला बबल बनेगा, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बबल टेम्परेचर, यानी बबल पॉइंट। समझ में आ रहा? तो जब प्योर लिक्विड पहला बबल बनाता है हीट करने पर, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और जब मिक्सचर हीट करने पर पहला बबल बनाता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं बबल पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, जबकि बबल पॉइंट क्या होता है, उसकी एक रेंज होती है। तो ये अभी आपका डिस्कस होने वाला है, और ये अभी यूज होने वाला है, बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट का यूज होने वाला आगे, तो इसलिए मैंने सोचा पहले आपको बता दूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें भी बबल बनेगा, इसमें भी पहला बबल बनेगा। ये होता है प्योर लिक्विड का, जबकि ये क्या होता है, मिक्सचर का। जब भी किसी आप मिक्सचर को हीट करोगे तो जिस टेम्परेचर पे वो पहला बबल बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट बोलते हैं। अब मान लो आप हीट करते गए, पूरा बबल बनेगा तो वेपर में कन्वर्ट होगा, मान लो पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब पूरी वेपर को आप कंडेंस करने लगो, तो जिस टेम्परेचर पे वो कंडेंस होना स्टार्ट होगा, यानी वेपर पहली ड्रॉप बनाएगा लिक्विड की, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट बोलते हैं। समझो बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोनों चीजें, ठीक है ना? तो जब लिक्विड का मिक्सचर आप लोगे, ठीक है ना, तो जब भी आप लिक्विड का मिक्सचर लोगे तो जिस टेम्परेचर पर वो मिक्सचर पहला बबल बनाएगा उसको बोलते हैं बबल पॉइंट, ठीक है? और मान लो सारा बबल बन, सारा लिक्विड इवेपोरेट हो गया, अब उसको अगर आप कंडेंस करोगे तो जिस टेम्परेचर पे मिक्सचर जो भी होगा लिक्विड का, वो जब पहला मतलब पहला वेपर का एक ड्रॉप क्या होगा, कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट बोलते हैं। तो बच्चों देखो, आज हम लोग डिस्कस करते हैं ग्राफ के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना? तो जैसा कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, याद है कि बॉइलिंग क्या होती है, जब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तब बॉइलिंग स्टार्ट होती है। और जिस टेम्परेचर में जो लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है? और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, प्योर लिक्विड का होता है, जबकि बबल पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट के सेम ही है बट वो मिक्सचर का होता है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? या फिर एक बॉइलिंग पॉइंट की और डेफिनेशन होती है कि जब आप किसी भी लिक्विड को हीट करोगे तो इवेपोरेट तो हर टेम्परेचर पर होगा, बट हीट करोगे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब लिक्विड पहला बबल बनाएगा, ठीक है? और वो बबल कब बनाएगा, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तब वो लिक्विड पहला बबल बनाएगा। तो अगर वो प्योर लिक्विड है और पहला ड्रॉप अगर बबल का बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे उस टेम्परेचर को। अगर मान लो प्योर लिक्विड नहीं है, अगर मान लो मिक्सचर दिया हुआ है, उसको अगर आप हीट करोगे तो उसका भी इवेपोरेशन होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे इवेपोरेशन बढ़ता जाएगा। तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब वो जो मिक्सचर है लिक्विड का वो पहला बबल बनाएगा, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को? चलो ठीक है। तो देखो हम लोग केस टू का ग्राफ बनाते हैं। केस टू में क्या था, ए था, ए मतलब क्या था, सॉल्वेंट था। सॉल्वेंट मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, वाटर ले लिया। चलो मैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी लिख लेता हूँ। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर मैंने बी ले लिया, बी मतलब मैंने सॉल्यूट ले लिया। सॉल्यूट ले लिया मान लो मीथेनॉल ले लिया। मीथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, चलो वो भी लिख लेते हैं, 65 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है? अब आपसे देखो पूछा क्या जाएगा कि आप चलो ग्राफ बनाओ, किसका किसका ग्राफ बनाओ, टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, ठीक है? तो जैसा कि हम लोगों को पता है, मैं बात कर रहा हूँ मिक्सचर है, ठीक है ना, ये भी वोलाटाइल है और ये भी वोलाटाइल है।
तो यानी केस टू आ गया। अब मिक्सचर है मतलब मैं बोल सकता हूँ टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है, यानी मोल फ्रैक्शन मीथेनॉल प्लस मोल फ्रैक्शन वाटर इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है? यानी मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, देखो एक कंटेनर लिया हुआ है, उसमें दो लिक्विड का मिक्सचर लिया हुआ है, कौन कौन, वाटर प्लस मीथेनॉल। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, ये दो लिक्विड का मिक्सचर है। अब आपसे पूछा जाएगा टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का आपको ग्राफ बनाना है। तो देखो जब ये वाली वैल्यू 0 होगी तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो चलो मैं मीथेनॉल मान लेता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको सीधी लाइन देखो बना देता हूँ, पहले तो स्ट्रेट लाइन देखो ये हो गई, ठीक है। जब देखो ये वाली वैल्यू 0 होगी, ये क्या बना रहा हूँ मैं, मीथेनॉल ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू वाटर का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, यानी वाटर क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। क्लियर है? और जब मीथेनॉल 1 होगा तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब ये इधर क्या होगा, 1 होगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? यानी ये अगर 0 होगा तो ये 1 होगा, अगर ये 1 होगा तो ये 0 होगा, अगर ये 0.2 होगा तो ये 0.8 होगा, क्योंकि टोटल वैल्यू 1 होनी चाहिए, अगर ये 0.8 होगा तो ये 0.2 होगा। क्लियर है? अब मैंने क्या लिया, ये वाला पॉइंट लिया, 0 वाला पॉइंट, ठीक है। अब आप जैसे यहां देखो 0 वाला पॉइंट लोगे, मतलब यहां पर मीथेनॉल नहीं, यहां पर सिर्फ क्या है, वाटर है, और वाटर मतलब प्योर होगा क्योंकि पूरा पूरा वाटर है, और प्योर का हमेशा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ये वाटर का मान लो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब अगर आपने ये लिया मीथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 1 लिया, यानी पूरा मीथेनॉल होगा, वहां पे वाटर का मोल फ्रैक्शन 0 है, मतलब वाटर है ही नहीं, अब पूरा मीथेनॉल है, मतलब वो प्योर होगा, प्योर होगा तो प्योर का हमेशा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ये मैंने बॉइलिंग पॉइंट ले लिया, और 100 से कम होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो मैंने यहाँ इसको नीचे पॉइंट बना दिया, 65 डिग्री सेल्सियस बना दिया, समझ रहे हो। अब अगर इसके बीच में आप कुछ भी ले लो, सिर्फ यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट होगा, सिर्फ ये वाली लाइन पे और ये वाली लाइन पे, बीच में क्या होगा, बीच में तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्योर है और यहाँ पर प्योर है, बीच में क्या है, मिक्सचर है, किसका, वाटर का और मीथेनॉल का, समझ रहे हो बात को, तो बीच में बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, बीच में क्या होगा, बबल पॉइंट होगा, समझ रहे हो। अब बॉइलिंग पॉइंट तो एक होता है, फिक्स होता है, जबकि बबल पॉइंट क्या होता है, एक रेंज होती है। देखो मैं समझाता हूँ रेंज मतलब क्या है यहाँ पर, तो देखो मैं यहाँ बनाता हूँ ग्राफ, देखो ये ग्राफ देखो ऐसे बनता है, ये यानी देखो इसका मतलब क्या होगा, देखो ये वाला पॉइंट देखो एक है, यानी ये दोनों प्योर है, इसलिए हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं। बट अगर आपने इसके बीच में कोई भी मान लो ये वाला पॉइंट लिया, ये पॉइंट मतलब ये मोल फ्रैक्शन, मान लो मीथेनॉल का मैंने मोल फ्रैक्शन ले लिया 0.2, क्लियर है, तो यहां पर वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। अगर आप ये 0.5 लोगे तो ये भी 0.5 हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर आप यहां पर 0 लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझो बात को। तो मैंने मान लो इसका मोल फ्रैक्शन 0.2 ले लिया, तो ये क्या हो गया, 0.8 हो जाएगा। अब 0.2, अब यानी कोई भी है तो मिक्सचर ही ना, यहां पे तुम कोई भी मोल फ्रैक्शन ले लो, रहेगा तो मिक्सचर ही, और मिक्सचर को आप हीट करोगे तो मिक्सचर इवेपरेट करेगा, यानी मीथेनॉल की भी वेपर बनेगी और वाटर की भी वेपर बनेगी। तो मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा, इवेपरेशन बढ़ता जाएगा, बट एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पर पूरा जो मिक्सचर है वो क्या करेगा, पहला ड्रॉप बबल का बनाएगा, यानी लिक्विड पहले बबल में कन्वर्ट होगा, समझ रहे हो। तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट बोलते हैं। तो मिक्सचर जब भी हीट करने पर पहला बबल बनाता है जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को हम लोग बबल पॉइंट बोलते हैं। तो मैं बात करूं, देखो मैंने ये वाला कंपोजिशन मान लो ले लिया और उसको मैं हीट करता गया, तो ये वाला पॉइंट यहां पर क्या हुआ, पहला क्या बना यहां पर, देखो पहला लिक्विड क्या हुआ तुम्हारा, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये जो बना हुआ है इसको मैं ए पॉइंट दे रहा हूं। ए पॉइंट मतलब क्या होगा, तो पहली ड्रॉप बबल की फॉर्म हुई है ए पॉइंट पे, ठीक है ना, तो ये बबल पॉइंट हो गया, क्यों, क्योंकि ये किसका है, मिक्सचर का है, समझ रहे हो बात को।
और इसके बीच में यानी इसके नीचे क्या रहेगा, मिक्सचर हमेशा लिक्विड रहेगा, और इसके बीच में मिक्सचर क्या रहेगा, लिक्विड और वेपर रहेगा। क्लियर है? यानी यहां पर आप देखो जैसे जैसे आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे इवेपोरेट होगा। जब पहला जिस टेम्परेचर में मिक्सचर पहला बबल बनाएगा उसको बोलते हैं बबल पॉइंट। अब टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा बबल बनता जाएगा, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा। यानी यहां पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता जा रहा है। जैसे जैसे क्या होगा, पहले क्या होगा, मान लो लिक्विड ज्यादा होगा, जैसे क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा बबल बन के, लिक्विड कम होता जाएगा, तो इसका अमाउंट कम हो रहा है। एक जब वो पॉइंट, जब लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड भी इवेपोरेट कर जाएगा, मतलब बबल बना देगा, तो ये मतलब क्या होता है, मिक्सचर का जब लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड क्या करता है तुम्हारा, वो भी इवेपोरेट हो जाता है। तो मैं इसको देखो सी पॉइंट दे रहा हूं, मान लो सी पॉइंट दे रहा हूं, ठीक है ना, और इसको मैं चलो बी पॉइंट दे रहा हूं। तो बी पॉइंट पे देखो क्या होगा, लिक्विड और वेपर दोनों में क्या होगा, इक्विलिब्रियम रहेगा, ठीक है ना। और अगर मैं देखो यहां सी पॉइंट की बात करूं तो देखो सी पॉइंट में क्या होगा, सी पॉइंट में लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड भी क्या हो गया तुम्हारा, इवेपोरेट कर गया। तो इस पॉइंट को, सी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ए पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बबल पॉइंट, और जबकि हम लोग सी पॉइंट को क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट बोलते हैं। देखो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा समझने को ट्राई करना, ठीक है ना। बाकी अदरवाइज तुम अगर ग्राफ याद भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ये याद तो रखना ही रखना है। तो आपसे पूछा जाएगा टेम्परेचर वर्सेज मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाओ, तो बस मैं आपको समझा सकता हूं यहां पर। तो देख लो मैं फिर से आपको एक बार ट्राई करता हूं कि यहां पर मीथेनॉल प्योर था, या सॉरी यहां पर वाटर प्योर था तो बबल बॉइलिंग पॉइंट। फिर से देखो, यहां पर वाटर प्योर था, प्योर का हमेशा बॉइलिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, इसलिए यहां पर देखो एक पॉइंट है। यहां पर मीथेनॉल प्योर था और प्योर का हमेशा बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो भी देखो फिक्स है। बट अगर तुम बीच में कोई कंपोजिशन लोगे तो हमेशा मिक्सचर रहेगा, और अगर मिक्सचर लोगे तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, बबल पॉइंट होता है, ठीक है ना। और उसका क्या होता है, बबल पॉइंट एक रेंज होती है। जैसे देखो ये वाला पॉइंट जब पहला बबल बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर का जो पहला बबल बनेगा उसको हम बबल पॉइंट बोलते हैं। यानी यहां पर क्या होगा, इसके नीचे लिक्विड रहेगा, इसके बीच में क्या होगा, कर्व के बीच में लिक्विड भी रहेगा, वेपर भी होगा, यानी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो पहले धीरे धीरे क्या होगा, लिक्विड कम होता जाएगा, कम होते होते जब लास्ट ड्रॉप भी लिक्विड की वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद यानी पूरा क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। यानी इसके नीचे क्या है, देखो लिक्विड है, इसके ऊपर वेपर है, और यहां पर क्या है, देखो लिक्विड वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम है। क्लियर है? तो अब देखो ध्यान से देखो आप लोग, तो ये ग्राफ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। फिर आप कमेंट करके बताना अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं दोबारा भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। अदरवाइज ये आपको याद तो करना ही करना है, ठीक है ना। तो आप नोट कर दो इसको।